बोलो। यस, कुछ डाउट है क्या? बोल रहे हो? वॉल्यूमेट्रिक के, वॉल्यूमेट्रिक के ब्रेक के बाद लेंगे, ठीक है? काइनेटिक्स के भी ले लेते, ठीक है? चलो देन, बोलो काइनेटिक्स से गेट आउट, बोलो। सेकंड सेवन 93 93, और बोलो 18 18 18 53 90 90 86 123। बस हो गए? और भी है क्या? हो गए ना, इतने ही है ना? यस, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर टू, द रिएक्शन ट्वाइस NO प्लस O2 इज ट्वाइस NO2 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इज रिड्यूस टू 1/3 द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? रेट कॉन्स्टेंट इंटू फर्स्ट ऑर्डर है तो NO का स्क्वायर बोल दूंगा, या किसी के टर्म्स में बोल दूंगा मान लो, ठीक है? तो NO के रेस्पेक्ट में बोल दो या O2 के रेस्पेक्ट में बोल दो, ओवरऑल क्या बोल रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर है ना, मतलब यहां पर चलो ऐसे लिख देते रिएक्टेंट रेस टू 1, ठीक है? ऐसा है। अब देखो वॉल्यूम को तुम क्या कर रहे हो, 1/3 कर रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ यार? कॉन्सेंट्रेशन कितना टाइम्स होगा बताओ? कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ना, मोलरिटी। तो तुमने वॉल्यूम को 1/3 किया तो कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया क्या? हुआ ही नहीं हुआ बताओ? Yes. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया तो रेट भी हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 7 में क्या है? द वन विच इज यूनिमोलिकुलर इज, तो यूनिमोलिकुलर में अपने पास क्या है? मॉलिक्युलरिटी 1 होनी चाहिए। किस में मॉलिक्युलरिटी 1 है यार? रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा है बताओ? रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 वाला सेकंड सेकंड क्लियर है क्या? इसके बाद 18 द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो रेट जो है किस किस पे डिपेंड करता है यार? ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम चेंज होगा रेट चेंज हो सकती है, जीरो ऑर्डर में रेट चेंज नहीं होती, अदरवाइज चेंज होगी। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है हमने बताया है। देखो जनरली हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, एक्टिव मास को क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, बट उसको प्रेशर भी तो लिया जा सकता है। क्लियर है क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम में याद है क्या बताया था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास रेस्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, और एक्टिव मास हम क्या लेते थे? या तो कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, याद आया? हेलो, यस, समझ आया ना? तो तीन चारों पे मतलब तीनों पे डिपेंड करेगा, तो 18th में क्या होगा? डी होगा। ओके,
इसके बाद 19, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इज दिस मच, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 बताना है। तो यार यहां पर देखो यूनिट कौन सी दी है, ग्राम वाली दी है, ठीक है, तो ग्राम वाली दी है, तो यहां पर हमें पहले ग्राम के टर्म्स में कन्वर्ट करना। आई थिंक इसका आंसर रॉन्ग दिया, उन्होंने सी दिया क्या आंसर, आंसर सी दिया क्या 19 का, 19 का सी नहीं होगा, यूनिट ग्राम वाला है ना, तो उन्होंने किसका रेट दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 दिया है। ठीक है, ये दिया है, तो पहले इसे इसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल में, तो मोल के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय मोलार मास ना, तो मोलार मास SO2 का कितना हुआ 64, तो ये आ गया मोल पर सेकंड में। ओके कितना आएगा ये, सो दिस इज 2×10⁻⁵, आई थिंक, ठीक है, सो मोल पर सेकंड में अपने पास ये रेट हो गया SO2 का, तो इतना ही रेट होगा SO3 का भी, SO3 जो उसका रेट सेम हो जाएगा ना, 2×10⁵ मोल पर सेकेंड, तो ग्राम में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, SO3 का मोलार मास क्या होता है 80, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा ग्राम में, कितना हो गया ये 1.6×10⁻³, आई थिंक ऑप्शन में दिया है क्या, यस डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, देन इसके बाद 53, दैट इज, अच्छा ये 53 दिया था क्या, ये तो दिया नहीं होगा, दिया था नहीं, 53 नहीं करना भाई, इसके बाद 84, A+2B गिव्स C+D -D/dt इज दिस, D-DB/dt क्या होगा, तो ये तो इजी है ना यार, 84 तो इजी है, एक या तो तुम स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से यहीं पर साफ साफ देख सकते हो कि जो बी का रेट है वो ए के रेट का डबल है ना, है कि नहीं, जो बी के मोल्स बनेंगे ए के मोल्स के डबल, मतलब बी के जो मोल्स रिएक्ट होंगे ए के मोल्स के डबल रिएक्ट होंगे ना, yes. तो यहाँ से भी देख सकते हो हमारे पास ये आना चाहिए, या फिर लास्ट टाइम जैसे रिलेशन बताया था उसके हिसाब से भी देख लो, तो ए का हमें दिया है 5×10⁻⁴, तो ये हो जाएगा अपने पास 10⁻³, क्लियर है क्या सर, ऑप्शन ऑप्शन आंसर रॉन्ग दिया है, यस ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद 86, में क्या है, द कन्वर्जन ऑफ ए गिव्स बी फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो हमारे पास रेट जो है वो क्या है, K×A² है ना, ये रेट हो गए बिकॉज सेकेंड ऑर्डर है, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो यार ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मतलब रेट ही हो गया, तो अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करें तो स्क्वायर है ना यार, है ना, अगर ए को हम 2 times करें तो रेट क्या होगा बताओ, 4 times हो जाएगा ना, बिकॉज स्क्वायर है इसका, क्लियर है क्या, यस ठीक है, सो दिस इज 86, देन इसके बाद 93, Which of the following reaction end in finite time? Finite time मतलब देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, फाइनाइट टाइम मतलब ऐसा टाइम जिसको हम कैलकुलेट कर सके ना, तो जीरो ऑर्डर में कर सकते हैं ना, रिएक्शन कब कंप्लीट होती है बताया था ना हमने,
टाइम बताया था ना. यस टी इक्वल टू ए नॉट अपॉन के है ना. इस टाइम के बाद में रिएक्शन क्या हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी. याद आया? यस ठीक है. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 में क्या, फॉर अ रिएक्शन द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट आर सेम एज दैट ऑफ रेट हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट और रेट का यूनिट सेम है, तो कौन सा ऑर्डर होना चाहिए यार बताओ? जीरो ऑर्डर ना. यस जीरो ऑर्डर. हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट के इक्वल हो गया था, है ना. तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, जो रेट का यूनिट है. क्लियर है क्या? यस ठीक है. और किसी कोई डाउट है इसके अलावा? चले आगे. तो लास्ट टाइम हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था. ठीक है. अब हम लेते हैं यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये मेनली तुम्हारे पास, मतलब इस टाइप के रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर है. तो इसका रेट क्या होगा यार? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू वन. यही होगा ना. हम बोल सकते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू ए. क्लियर है क्या? नाउ रेट को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए. तो ये हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन आया अभी. अब देखो यूनिट ऑफ के क्या होगा यार? इस ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के क्या होगा? डी ए ओवर डी टी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड ना. और इसको डिवाइड करेंगे किससे? कॉन्सेंट्रेशन से, है ना. कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हुआ? मोल पर लीटर. तो क्या आ गया बताओ यूनिट ऑफ के? यूनिट ऑफ के आ गया पर सेकेंड. क्लियर है क्या? समझ आया सबको? ठीक है. तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के आ जाएगा. तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं दिया क्वेश्चन में, बट उन्होंने k का वैल्यू दिया है विद यूनिट, तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा ऑर्डर है. ठीक है. अब देखो जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद कैलकुलेट किया था कि हमारे पास a कितना बचा, यहां पर भी कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली इसे इंटीग्रेट कर देंगे. तो माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ये आ जाएगा. ये फिर हम इसको लिख सकते हैं डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी. इंटीग्रेशन करेंगे तो के तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया. टाइम जीरो लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना? ए नॉट. और जब टाइम टी लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन है अपने पास ए. नाउ वन बाय ए का इंटीग्रेशन क्या होगा यार? वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, एल एन एक्स होता है. तो वन बाय ए का हो जाएगा एल एन ए. ओके. सो एल एन ए लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी डी टी का हमारे पास हो जाएगा टी. लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा. So, यहां से देखो एल एन ऑफ ए इज इक्वल टू, या फिर एल एन ऑफ ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के टी आ गया ना. ऐसे लिख सकते हैं. एल एन को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो गया? ये एक्सपोनेंशियल हो गया ना, ई रेस टू पावर हो गया. सो ए अपॉन ए नॉट
इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। क्लियर है क्या सबको ये? तो हमारे पास ए का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो अगर हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है और पर्टिकुलर टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट जनरली इस फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा नहीं। क्यों? बिकॉज एक्सपोनेंशियल वगैरह वाले टर्म्स को कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा ना, तो वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ग्राफ जरूर आ सकता है ना। तो ग्राफ कैसे आ सकता है कि यार अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ पूछा, ठीक है, ए वर्सेज टाइम ग्राफ पूछा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, लास्ट टाइम डिक्रीज हो रहा था, तो लास्ट टाइम हमारे पास ऐसा ग्राफ आया था, लीनियरली डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर कैसे डिक्रीज होगा यार? यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल वे में, e रेस टू माइनस के टी है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वे में डिक्रीज होगा इस टाइप से। समझ आया क्या? तो ये कब जाके खत्म होगा यार? ए की वैल्यू जीरो कब होगी? जब टाइम क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ओके, सो इनफाइनाइट टाइम के बाद में ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक फाइनाइट टाइम पर कंप्लीट हो जाती थी, फाइनाइट टाइम के बाद वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर लेता था, बट ये जो है ये कब टच करेगा एक्स एक्सिस को? जब टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाएगा। Thank you.
हो गया सबका? तो देखो एक ग्राफ हमारे पास ही आ गया, इसके अलावा और भी ग्राफ आ सकते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी है। तो अगर इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो दिस इज एल एन ऑफ ए इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट माइनस के टी आएगा। अब देखो वाई एक्सिस पर अगर हम एल एन ए ले एंड एक्स एक्सिस पर अगर टाइम ले, तो देखो दिस इज वाई, दिस इज एम एक्स एंड दिस इज सी, है ना। तो क्या आ गया, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया ना विद नेगेटिव स्लोप। ओके, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज माइनस के एंड इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ए नॉट, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। ग्राफ हमने बनाया एल एन ए वर्सेस टी, क्लियर है। अगर हम एल एन के बजाय लॉग लेंगे तो लॉग में क्या होगा, ये एल एन को हम इन टर्म्स ऑफ लॉग क्या कर सकते हैं यार। तो अगर हम एल एन को इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखना है तो यहाँ पर 2.303 आएगा, यहाँ पर भी 2.303, तो अभी देखो क्या हो गया, सो दिस इज लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। सो यहां पर लॉग ए वर्सेज 1/t कैसा आएगा, लॉग ए वर्सेज टी, सॉरी, सो लॉग ऑफ ए वर्सेज टी क्या आएगा, तो इसको वाई एक्सेस पे लिया, टी को एक्स एक्सेस पे लिया, तो दिस इज एम एक्स एंड दिस इज सी। तो अगेन ये स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप ही आया, बट अभी जो इंटरसेप्ट है वो लॉग ए नॉट है, लास्ट टाइम एल एन ए नॉट था। इसके अलावा स्लोप अभी थोड़ी चेंज हो गई, लास्ट टाइम माइनस के थी, अभी स्लोप क्या है, इट इज माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, सो इस टाइप का ग्राफ आएगा एंड दिस इंटरसेप्ट इज लॉग ऑफ ए नॉट। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये दो ग्राफ और आ जाते हैं यहां पर। Thank you.
हो गया सबका? ठीक है, अब देखो यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हो, अब ये जो हम फॉर्मूला बताने वाले उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन था अभी ln of a माइनस ln of a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt, यही था। तो इसको हम लिख सकते थे ln of a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt, या फिर ऑब्वियसली इसको हम माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो दिस इज kt इज इक्वल टू, सो दिस इज ln of a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू kt, ये आ गया। या फिर t इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर से, 1 बाई k ln of a नॉट अपॉन a। तो अगर तुम्हें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है और टाइम कैलकुलेट करना है कि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर ln के बजाय log वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो ln को जब log में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2.303 अपॉन k log of a नॉट अपॉन a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेनली यूज किया जाता है टाइम कैलकुलेट करने के लिए। अगर तुम्हें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन दिया है और पूछा है कि उस कॉन्सेंट्रेशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं यहां पर हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, इसी को देख लो। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली t इक्वल टू t हाफ है ना, एट t इक्वल टू t हाफ a क्या हो जाएगा, a नॉट बाई टू, लास्ट टाइम बताया था ना हमने। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा अमाउंट रिएक्ट कर जाए और आधा अमाउंट बचे तो कितने टाइम में वो आधा अमाउंट रिएक्ट किया है उसको क्या बोलते थे, टी हाफ बोलते थे। ठीक है, तो यहां पर टी के जगह टी हाफ लिख देंगे, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, एंड ए की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट बाय टू। तो यहां से टी हाफ क्या आएगा यार, टी हाफ इज 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट, से ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, लॉग ऑफ टू, एंड लॉग ऑफ टू क्या है 0.3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टी हाफ है वो आ जाता है 0.693 अपॉन के। इसका मतलब क्या है,
कि यार जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना। 0.693 अपन के, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है जस्ट के पे डिपेंड करेगा, और के तो पर्टिकुलर रिएक्शन का कॉन्स्टेंट है ना। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि यार 20 मोलार से 10 मोलार होने में मान लो T1 टाइम लगा, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, एंड फिर 10 मोलार से 5 मोलार होने में मान लो T2 टाइम लगा, ठीक है। रिएक्टेंट इनिशियली 20 मोलार था, उसको 10 मोलार होने में T1 टाइम लगा, और फिर 5 मोलार होने में T2 टाइम लगा, है ना। 10 से 5 मोलार होने में T2 टाइम, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन है, सेम होंगे, ठीक है। क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम इनिशियल कितना कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो या किस कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो जस्ट डिपेंड करेगा किस पे, के पे, और के तो पर्टिकुलर रिएक्शन का कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट हाफ सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे हाफ लाइफ पीरियड सेम होंगे, मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू सेकेंड हाफ लाइफ इज इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यार 20 से 10 मोलार जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही 10 से 5 जाने में, उतना ही 5 से 2.5 जाने में, उतना ही 2.5 से 1.25 जाने में, समझाया। yes. ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। Thank you.
हो गया सबका? Yes. अब देखो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए सारे हाफ लाइफ पीरियड सेम होंगे। तो देखो यहाँ पर फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या होगा यार? फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ, देखो एक हाफ लाइफ जो है उसके बाद कितना बचा? आधा बचा ना, एक हाफ लाइफ के बाद आधा अमाउंट बचेगा। Yes. दो हाफ लाइफ हो जाएंगी, फिर आधे का आधा बचेगा, मतलब 1/4 बचेगा। अगर तीन हाफ लाइफ हुई तो उसका भी आधा, मतलब 1/4 का आधा, 1/8। अगर चार हाफ लाइफ हुई तो 1/8 का भी आधा, मतलब 1/16। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं यार, हाफ रेज टू एन। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ रेज टू एन। और ऑब्वियसली फ्रैक्शन रिमेनिंग को हम ये भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन रिमेनिंग मतलब ए बाय ए नॉट, दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शन रिमेनिंग। ओके, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग इज आफ्टर एन हाफ लाइफ इज 1/2 रेज टू। ओके, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है उस पर कैसे कैलकुलेट करोगे? सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हियर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ एन इज इक्वल टू टोटल टाइम जो तुम्हें दिया है वो डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, जैसे मान लो किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 15 है ना, और तुम्हें बोलता है यार 30 मिनट बाद कितना बचेगा, तो 15 मिनट उसका हाफ लाइफ पीरियड है, तो 30 मिनट में कितने हाफ लाइफ हो गए? This is 30, this is 15. 30 by 15 कितना हुआ? 2 ना? Yes. Number of half life 2 हो जाएगा. The fraction remaining will be 1/2 raised to 2. Clear है क्या? Yes. So fraction remaining after n half life is 1/2 raised to n. और n कैसे calculate करोगे? Total time divided by half life period. Okay? तो इस type से हमारे पास ये half life period का relation आ गया. अच्छा, अब अगर हमें जो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखना है तो ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स हमने तुम्हें क्या बताया था? ए और ए माइनस एक्स बताया था ना, तो क्या आ जाएगा यार? तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए था ना अभी, तो a अपॉन क्या आ जाएगा? a माइनस x आ जाएगा। समझ आया क्या? Yes. एक एक्सप्रेशन ही आ गया। इसके अलावा a इज इक्वल टू क्या है? a नॉट, तो a मतलब a माइनस x इज इक्वल टू a नॉट, दैट इज a इनटू e रेज टू पावर माइनस kt। एक एक्सप्रेशन ही आएगा, इसको और सिंपलीफाई क्या कर सकते हैं हम? तो अगर हमें यहाँ पर x निकालना है तो x विल बी a माइनस a इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी, या फिर एक्स को तुम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 ई रेस टू पावर माइनस के टी। ठीक है, एक्स क्या था? एक्स एक तरह से था प्रोडक्ट। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर लिखना है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह स्मॉल ए यूज करते थे, टी टाइम वाली कॉन्सेंट्रेशन की जगह ए माइनस एक्स यूज करते थे। क्लियर है क्या? Yes. Okay. तो लिखो, फिर आगे चलते।
हो गया सबका हो गया क्या? यस। तो ना क्वेश्चन लेते हैं। A time taken for 75% completion of a first order reaction is 10 hour. Calculate time taken for
50% completion. Thank you.
हो गया सबका? Yes. तो देखो हम ये तीनों क्वेश्चन को दो तरह से, मतलब एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड को दो तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि उसको फर्स्ट और सेकंड वाले तरीके से करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब देखो, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई दी हुई है, तो और इसके अलावा ये भी बोला है कि 75% कंप्लीट होने में से 10 आवर लग रहे हैं। तो देखो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो एक तरह से हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, मतलब रेशियो पता है बेसिकली, क्योंकि 90% कंप्लीट हो रहा है, मतलब इनिशियली अगर हम 100 मान ले तो बचेगा कितना? 10 बचेगा ना, 90% कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log of a नॉट अपॉन a, ठीक है। तो इनिशियली तुम 100 भी मान सकते हो या कुछ और भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा, बिकॉज वो रेशियो जो है वो सेम रहेगा। तो 2.303 अपॉन k log of, अब देखो जो दिया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बोला कि 75% कंप्लीट हुआ है। तो इनिशियल को 100 ले लो और 75% कंप्लीट हुआ, मतलब कितना बचा यार? 100 में से 75 चला गया, कितना बचा? 25, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2.303, या फिर हम बोल सकते t तो हमें पता है कितना है, t इज 10 आवर है ना, 2.303 अपॉन k। तो k की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे पहले हम, log of 100 अपॉन 25, ये हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट log 4, ठीक है। तो यहां से हमारे पास k आ जाएगा एक्चुअली, और k क्या आएगा, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू log 4, log 4 को 2 log 2 बोल सकते हैं, टू लॉग टू मतलब ये आ गया 0.6, ठीक है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, यूनिट क्या है इसकी, आवर माइनस वन, क्लियर है सबको ये? तो जो दिया है उसको यूज करके हमें पहले यहां पर k कैलकुलेट करना है, और अब अगर हमें k मिल गया तो इस फॉर्मूले में देखो k को अगर तुम सब्स्टिट्यूट कर दे तो t मिल जाएगा ना, तो क्या आएगा, तो t इज इक्वल टू
2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, अब देखो वो क्या बोल रहा है, हमें कैलकुलेट करना है कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो इनिशियल को 100 ले लिया एंड 90% कंप्लीट हुआ मतलब कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, ठीक है। सो क्या है ये 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन 10 एंड लॉग ऑफ 100 अपॉन 10, अब देखो लॉग के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया ना, 2.303 अपॉन के लॉग 10, लॉग 10 इज 1, ठीक है। सो ये आ गया 2.303 अपॉन के, तो 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, यही आएगा ना, वैसे टी कितना आ रहा है अपने पास, 2.303 तो कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज नथिंग बट 100 अपॉन 6 विच इज 50/3, तो कितना हो गया ये अप्रोक्सीमेटली 16.66 आ जाएगा, 16.67 आ रहा है सबका, यही आ रहा है क्या, ठीक है। तो इस टाइप से फर्स्ट करेंगे, सॉरी थर्ड वाला करेंगे, फर्स्ट और सेकंड भी ऐसे ही कर सकते हैं सेम, ओके, बट उसका करने का एक और तरीका है वो बता देता हूं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि पहले जो दिया उसको यूज करके हम के कैलकुलेट कर लें और उस के को हमें परसेंटेज वाला पार्ट निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उस परसेंटेज तक पहुंचने में, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एक तो तरीका यह है, एक और तरीका है जो बताते हैं तुम्हें, हो गया सबका, सर
हो गया सबका? Yes. ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड जैसे हमने होता है सेम मेथड से कर सकते हैं, बट एक और मेथड है करने का। तो अगर फ्रैक्शन रिमेनिंग जो है वो 1/2 रेज़ टू समथिंग के टर्म्स में हो, ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया है यार, हमें यहाँ पर दिया है कि 75% कंप्लीटेड दिया था ना, ठीक है, 75% कंप्लीटेड दिया था, मतलब कितना बचा? कितना बचा? 25%, ठीक है, तो 25% बचा, मतलब हम बोल सकते हैं कितना फ्रैक्शन है यार, 25/100 रिमेनिंग ना, जो फ्रैक्शन आएगा यही आएगा क्या 25/100, या बोल सकते हैं 1/4, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 raised to 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? Yes. तो यहाँ पर जो पावर में है वो क्या हो गया यार, 1/2 raised to n होता था ना, ठीक है, तो 1/2 raised to n होता था, कंपेयर करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 2, ये हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या हो गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 हो गया है, क्लियर है क्या? तो 2 = टोटल टाइम 10/2 half life period, तो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू क्या आ गई यार, 10/2 = 5 hours, क्लियर है क्या? फर्स्ट वाले में हमें हाफ लाइफ पीरियड ही तो निकालना है, क्या बोला उन्होंने 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन मतलब आधा रिएक्ट करके आधा बचा, समझ आया क्या? ठीक है, तो यहां से हमें हाफ लाइफ पीरियड मिल जाएगा 5 hours, और वही कैलकुलेट करना था, ओके, तो 50% कंप्लीशन का टाइम कितना लगेगा वो हमें यहां पर मिल गया, टी हाफ मतलब टाइम फॉर 50% कंप्लीशन। क्लियर है सबको? इसके अलावा सेकंड वाले में हमें क्या पता करना है यार, 87.5% कंप्लीशन ना, तो 87.5% कंप्लीट हो गया है ना, तो कितना बचेगा यार, कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कितनी बचेगी, 10.5% कंप्लीट हुई मतलब कितना बचा, 12.5%, तो 12.5% रिमेनिंग है, तो कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग है, 12.5/100, इतना फ्रैक्शन रिमेनिंग है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई यार, देखो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट होता है, हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट 1/8, ओके, सो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 raised to n के टर्म्स में ये, ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 3 आ रही है, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो गए, ओके, सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो गए, तो यार 3 हाफ लाइफ जब हुए तो कितना टाइम लगेगा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 = टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड कितना है, कितना है यहीं पे निकाला ना हमने, 5 hours है ना, तो कितना लगा, तो t = 3 × t½ = 3 × 5, हम बोल सकते हैं 15 hours, क्लियर है सबको, ये समझ आया क्या यार, ठीक है,
तो अगर जो फ्रैक्शन रिमेनिंग वाला पार्ट है वो 1/2 की पावर में हो तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो 90% कंप्लीटेड वाला था उसमें 10% बच रहा था, तो जो 10% बचा है वो एक्चुअली वहां पर फ्रैक्शन क्या है 1/10 है ना, तो 10% बचा मतलब 1/10 फ्रैक्शन बचा, तो वो 1/2 की पावर में नहीं आता, उसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, वहां पर हमें के वाला वो कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। पहले के कैलकुलेट करेंगे फिर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑब्वियसली वो के वाला कॉन्सेप्ट ये दोनों में भी हम यूज कर सकते थे, फर्स्ट और सेकंड में भी, बट यहाँ पर उससे इजी तरीका है फ्रैक्शन रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का। बोलो सर एक बार फर्स्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करिए। अच्छा ये वाला Yes. देखो 75 हमें जो दिया था वो क्या दिया था, उन्होंने बोला कि 75% कंप्लीट हो रहा है कितने टाइम में 10 आवर में, ठीक है, तो जो 75% कंप्लीट हो रहा है एक्चुअली वो फ्रैक्शन रिमेनिंग देखोगे तो वो 1/2 की पावर ही हो गया, क्योंकि 75% कंप्लीट हुआ मींस 25% बचा, तो 25% का क्या हो गया फ्रैक्शन रिमेनिंग 25/100 व्हिच इज 1/4 तो यहाँ से जो पावर आता है वो क्या होता था फ्रैक्शन रिमेनिंग में नंबर ऑफ हाफ लाइफ ना, yes. 10 आवर में 2 हाफ लाइफ हुई है, ओके, तो 1 हाफ लाइफ पीरियड कितने का होगा, या फिर तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो जो हमने फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज 2, टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड, तो यहाँ से हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया 5 आवर, तो फर्स्ट वाले पार्ट में एक्चुअली हाफ लाइफ पीरियड ही निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन मतलब 50% रिएक्ट हो गया 50% बचा मतलब आधा बचा है ना, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग जो है आधा बचा है मतलब वहां पर हाफ लाइफ पीरियड ही निकालना था, ओके, सो 5 आवर आएगा, समझ आया? Yes. हो गया सबका, हो गया क्या? तो लिखो
For first order reaction, T 99% is equal to X times of T 90%. Then calculate value of X. So, T 99% is equal to X into T 90%. तो X की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या होगी? आया सर सबका कराए सॉल्व? Yes, sir. कराएं क्या? वेट वेट बोल रहा है कोई तो सर वेट तो देखो अब यहाँ पर फ्रैक्शन रिमेनिंग जो है वो 1/2 रेज टू की पावर में नहीं है ना, ठीक है? तो टी 99% क्या है यार? टी 99% मतलब जब 99% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 1% ना, ठीक है? हमारे पास क्या हो जाएगा? 100/1 यही होगा ना, टी 99% यही होगा है ना? बोल सकते हैं यार, ठीक है ऐसे लिख देते, चलो 99% रिएक्ट हो गया, मतलब इनिशियली 100 ले लिया, रिएक्ट हुआ 99, तो बचा कितना यहाँ पर? 1 बचा ना, मींस दिस इज नथिंग बट 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100/1, ओके? ये टी 99% है, एंड टी 90% क्या है? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100, 90% रिएक्ट किया तो कितना बचेगा यार? ये ए नॉट हो गया, एंड ए कितना है? 100 में से 90 रिएक्ट कर गया, बचा कितना? 10, ओके? सो ये 10 आ गया, या फिर बोल सकते 2.303 अपॉन के लॉग 100/10, ठीक
ठीक है, विच इज नथिंग बट 2.303 अपॉन के लॉग 10। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉग 100 क्या हो गया, लॉग 100 इज 2 ना, 2.303 अपॉन के इनटू 2 नथिंग बट 2.303 अपॉन के इनटू 1। ओके यही हुआ। तो यहां से x क्या आ गया, x आ रहा है अपने पास 99% डिवाइड बाय 90% कितना आएगा यार, 2 आ जाएगा ना। यस ओके तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। हो गया सबका, तो इफ टी 0.75 इज इक्वल टू 1386 सेकेंड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, then determine value of I'm going to go to the next slide.
तो देखो 0.75 दिया, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है कि इतना फ्रैक्शन एक तरह से है ना, 0.75 मतलब 3/4 भी बोल सकते हैं इसे, ओके? इसका मतलब इतना फ्रैक्शन रिएक्ट किया है, तो 2.303 अपॉन फ्रैक्शन रिएक्ट किया, इनिशियली 1 ले सकते हो या ए भी ले सकते हो, कुछ भी लोगे चलेगा, तो इनिशियली ए ले लिया, 3/4 इसका रिएक्ट कर गया तो 1/4 बचेगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा 303 अपॉन के log of a upon 3/4 है ना, तो हमारे पास क्या आ गया ये 3/4 is equal to 2.303 upon k log 4. log 4 क्या होता है, log 4 होता है 2 log 2 या हम बोल सकते हैं 0.6, ठीक है, तो देखो यहां से k क्या हो जाएगा 2.303 into 0.6 डिवाइड बाय T 3/4 विच इज 2.303 अपॉन T 3/4 क्या है 1386, तो क्या आ रहा है यार ये 10^-3 आ रहा है ना, है ना, ये आएगा क्या, ये आ गया, तो ये हमारे पास कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया, ओके, यस, अच्छा यूनिट क्या होगा पर सेकंड, है ना, सेकंड माइनस 1 इसका यूनिट हो जाएगा, ओके, सो और चलो इतना ही, ब्रेक के बाद अभी हम डाउट्स लेते हैं, ठीक है, ब्रेक एंड ब्रेक के बाद डाउट्स लेंगे वॉल्यूमेट्रिक के, वॉल्यूमेट्रिक और मोल दोनों की है ना, मोल भी लेके मोल के डाउट में, मोल भी सॉल्व करने को बोला था ना, मोल का इक्विवेलेंट वेट वगैरह सॉल्व करने को बोला था ना, क्या बोल रहे हो, मोल कांसेप्ट सही, मोल कॉन्सेप्ट का नहीं किया, ठीक है, चलो लेक्चर एंड करते हैं अभी, और ब्रेक के बाद डाउट्स लेंगे वॉल्यूमेट्रिक और मोल के अगर है तो, ठीक है,